नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत और मैं हूं आपके साथ विजय विकास। बिहार एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता कर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय की मौजूदगी में आज एनडीए के सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बिहार के सभी 40 सीटों का ऐलान कर दिया गया, जिन्हें भाजपा बिहार के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। तो आपको अभी हम बताने जा रहे हैं कि कुल 40 सीट बिहार में जो उनपे एनडीए की तरफ से किस दल से कौन कौन उम्मीदवार बनाए गए हैं। अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया लोकसभा सीट से संतोष कुशवाहा पर भरोसा जताते हुए संतोष कुशवाहा को टिकट दी गई है। जबकि काराकाट की बात करें तो वहां पे महाबली सिंह को टिकट मिली है। वाल्मीकि नगर से बात करें तो बैजनाथ महतो को टिकट दिया गया है। वहीं सीतामढ़ी लोकसभा सीट से डॉक्टर वरुण कुमार को सीट दिया गया है। सीतामढ़ी सीट इन दोनों चर्चा में आया था जब उनके सांसद कैस्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। वहीं गोपालगंज सीट की बात करें तो यहाँ पे आलोक सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सिवान सीट से कविता सिंह और किशनगंज लोकसभा सीट से महमूद अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। भागलपुर से अजय मंडल, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल। आपको बता दें कि झंझारपुर को लेकर के भी विवाद चल रहा था किसको उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन रामप्रीत मंडल पे सहमति बना ली गई। वहीं सुपौल की बात करें तो दिलकेश्वर कामत को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया, जबकि कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि जहानाबाद सीट से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। गया सीट की बात करें यहाँ पे विजय मांझी को बनाया गया है, तो यहाँ पे मांझी और मांझी के बीच लड़ाई देखने के लिए मिलेगी। जबकि मुंगेर सीट की बात करें तो ललन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, यह सीट भी कंट्रोवर्शियल सीट है। वहीं मधेपुरा की बात करें तो दिनेश चंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि बांका लोकसभा सीट से गिरधारी यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये कुल एनडीए के उम्मीदवार थे जदयू की तरफ से। और बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया, जबकि उजियारपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि शिवहर लोकसभा सीट से रमा देवी को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पे अजय निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया, यहाँ पे निशा भारती से उनका मुकाबला होगा। जबकि सारण लोकसभा सीट की बात करें तो राजीव प्रताप रूडी को उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। वहीं महाराजगंज लोकसभा सीट की बात करें तो जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि आरा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे राजकुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। जबकि दरभंगा एक सीट है जहाँ पे कंट्रोवर्सी लगातार चल रही थी कि कौन यहाँ पे उम्मीदवार होंगे, तो वहाँ पे गोपाल जी ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि मधुबनी की बात करें तो वर्तमान सांसद हुकुमर यादव के पुत्र अशोक यादव को टिकट मिला है, जबकि अररिया से बात करें तो प्रदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह को टिकट दिया गया, नवादा से अटागुन को बेगूसराय शिफ्ट किया गया है, जबकि सासाराम की बात करें तो सासाराम से छेदी पासवान को टिकट दिया गया है। औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पे सुशील सिंह, और बक्सर की बात करें तो बक्सर से अश्वनी कुमार चौबे को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं लोजपा के उम्मीदवारों की बात करें तो हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस को उम्मीदवार बनाया गया। यहाँ पे संभावनाएं चल रही थी कि रामविलास पासवान वापस लौट करके हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे पशुपति कुमार पारस को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि जमुई से चिराग पासवान को फिर से एक बार उम्मीदवार बनाया गया। वहीं समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान को लोकसभा का एलजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि नवादा से चंदन कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं खगड़िया सीट को लेकर के एक दो दिन में तय कर लिया जाएगा, इसकी घोषणा भी नहीं की गई है। वहीं वैशाली सीट की बात करें तो वीना सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 17, 17 और 6 के फॉर्मूले पर बीजेपी, जेडीयू और लोजपा चुनाव लड़ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 31 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें अकेले बीजेपी 22 सीट जीतने में कामयाब रही, जिसके बाद से फिलहाल इस लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार रही है गठबंधन के अनुसार। जबकि साल 2014 के चुनाव में जेडीयू ने अलग चुनाव लड़ा था बीजेपी, और इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होने वाला है, इसकी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। और पहला चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा, जबकि सातवें और आखिरी चरण का चुनाव 19 मई को होना है, मतगणना 23 मई को होगी। फिलहाल देखते रहें जय भारत। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, देखते रहें जय भारत, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।